खबर है अलीगढ़ जनपद से, जहां इगलास पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दूसरे प्रांत की 300 शराब की पेटी सहित दो आरोपियों को दबोचा, दो हुए फरार। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में शराब माफिया एक बार फिर अवैध शराब का कारोबार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात इलाका पुलिस की जाए तो पुलिस द्वारा अपनी मुस्तैदी जाहिर करते हुए शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी कमर तोड़कर रख दी है। इसका जीता जागता उदाहरण आज जब देखने को मिला, जब इगलास पुलिस द्वारा मथुरा रोड पर युवान ढाबा पर चेकिंग की जा रही थी, उस समय इगलास की तरफ से एक डंपर सफेद नीले रंग का आता दिखाई दिया, तो पुलिस को देखकर डंपर चालक गाड़ी को रोककर भागने लगा। शक होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया, डंपर में बैठे दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और दो व्यक्ति भागने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिंकू शर्मा। सर, लगभग 300 पेटी हरियाणा की शराब पकड़ने का मामला क्या है? देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए गए अवैध क्रियाओं के ऊपर अभियान में इसी में कल रात को 28 तारीख को थाना इगलास में वरिष्ठ उप निरीक्षक और वरिष्ठ उनके साथ हमारा चेकिंग में लगे हुए थे, तभी अलीगढ़ मथुरा रोड पर ढाबा है, ढाबे पर ही इन्होंने एक डंपर को देखा जिसको रुकवा कर इन्होंने उसकी चेकिंग करी, तो वो लोग भागने का प्रयास किए, जिसमें से हमने दो लोगों को पकड़ लिया और दो लोग भागने में कामयाब रहे। उसी में हमने जब डंपर चेक किया तो उसमें करीब 300 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है जो हरियाणा से लाई जा रही थी। इसमें करीब 270 पेटी जो है वो विस्की है और 30 पेटी रम। लगभग कितनी कीमत होगी शराब की? सर, इसकी लगभग कीमत होगी 3 लाख रुपए। सर, ये कहाँ पर सेल करने के लिए जा रहे हैं? ये लोग इन अभी मथुरा ही ला रहे थे यहाँ पर, और यहीं पर इनका सेल करने का इरादा। ये कह रहा हूँ सर, पहले भी काफी बार यहाँ पे जो है